हॉस्पिटल पहुंचे हैं जहां पर कई लोग भर्ती हैं। जख्मी हुए लोगों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। उनका हालचाल जानने के लिए पीएम मोदी अब अस्पताल पहुंचे हैं। इस दर्दनाक भीषण ट्रेन हादसे में अब तक 288 लोगों की जान जा चुकी है। 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अलग अलग हॉस्पिटल्स में भर्ती किया गया है लोगों को। पीएम मोदी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये पीएम मोदी का काफिला हॉस्पिटल पहुंचा हुआ है। हॉस्पिटल में घायलों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं पीएम मोदी। इससे पहले घटनास्थल का जायजा लिया था। अब सीधी तस्वीरें अस्पताल से पीएम मोदी का काफिला पहुंच चुका है और अब वो अस्पताल में जाकर घायलों से मुलाकात करेंगे, उनका हालचाल जानेंगे। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी संवेदनशीलता दिखाते हुए तुरंत ही मामले में संज्ञान लिया और घटनास्थल पहुंचे थे। इससे पहले अब जो घायल हैं, जख्मी हैं, जिनका उपचार चल रहा है अस्पताल में, उनका हालचाल जानने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए, उनसे मुलाकात करने के लिए पीएम मोदी अब हॉस्पिटल भी पहुंच चुके हैं। सब हर कोई स्तब्ध है, शोक में डूबा हुआ है, लेकिन देश के मुखिया होने के नाते ये जिम्मेदारी भी निभाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अस्पताल की तस्वीरें, प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं। हॉस्पिटल पहुंचे हुए हैं पीएम मोदी जहां पर घायलों का उपचार चल रहा है। 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अलग अलग अस्पतालों में सभी को भर्ती किया गया है और उनमें से एक अस्पताल में पीएम मोदी पहुंचे हुए हैं जहां पर वो घायलों से बातचीत करेंगे, मुलाकात करेंगे, उनका हालचाल जानेंगे, डॉक्टर से भी यहां पर जानकारी लेंगे कि किस तरीके से लोगों का इलाज चल रहा है, किस तरीके से लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। उससे पहले की तस्वीरें, जब घटनास्थल पर पीएम मोदी पहुंचे थे, एक स्थानीय नेता की भांति उन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया, फोन पर किसी से बातचीत की, वहां पर मौजूद लोगों से बातचीत की। और अब अस्पताल का रुख किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जहां पर घायलों का उपचार चल रहा है। जख्मी लोगों से, घायल लोगों से अब पीएम मोदी मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं। ये पहले की तस्वीरें हैं जब घटनास्थल का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हुए थे। वहां पर मौजूद अधिकारियों से उन्होंने बातचीत की थी, पूरा ब्यौरा लिया, पूरी जानकारी ली थी। एक तस्वीर ये भी देख सकते हैं आप कि किस तरीके से वहां पर पीएम मोदी ने फोन पर किसी से बातचीत की है। एक स्थानीय कार्यकर्ता, स्थानीय नेता की भांति पीएम मोदी ने यह जिम्मेदारी निभाई देश के मुखिया होने के नाते, और सबसे बड़ा हादसा, सबसे बड़ा रेल हादसा हम इसे कहें तो गलत नहीं होगा। 288 लोगों की जान इस दर्दनाक भीषण हादसे ने ले ली है। 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए। मामले की गंभीरता को समझते हुए, संवेदनशीलता दिखाते हुए पीएम मोदी घटनास्थल पहुंचे। एक स्थानीय नेता, स्थानीय राजनेता, कार्यकर्ता की भांति वहां पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया, फोन पर बातचीत की, निर्देश दिए, जानकारी ली, अधिकारियों से भी बातचीत पीएम मोदी ने की थी वहां पर। शोक संवेदनाएं पीएम मोदी ने व्यक्त की वहां पर मौजूद लोगों के प्रति भी, और अब घायलों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं।